हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सियन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम का, उसको पढ़ेंगे। और इसका ये पार्ट वन है, इसको भी हम लोग दो पार्ट में इम्पॉर्टेंट सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो 2 महीने हम लोगों को मिले हैं, 2 मंथ्स, इनमें हम लोगों को बेहतर तैयारी करनी है सीपीटी 2 और ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए। हमारा टारगेट है आपको सिलेक्शन दिलाना, तो इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है exonacademy.in, यहाँ पर जाके आप और भी नोटिफिकेशंस पा सकते हैं। तो उससे भी पहले आप यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाइए, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपको फ्री पीडीएफ क्लास नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट अपडेट्स चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन समझने से पहले आपको एक एमडीएच का फार्मूला खिला दें। क्या है फार्मूला? एम डी एच अपॉन डब्लू, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन है, एम फॉर मैन, डी फॉर डे, एच फॉर आवर यानी घंटे, और डब्लू फॉर वर्क यानी काम, तो इन ये तीन चीजें जो है ये हमेशा कांस्टेंट है। कि कहने का मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं एम वन डी वन एच वन अपॉन डब्लू वन इक्वल टू एम टू डी टू एच टू अपॉन डब्लू टू एंड सो ऑन। अब चलिए क्वेश्चन पे पहले बढ़ते। कह रहे हैं कि 32 लोग 12 दिनों में एक दीवार बना लेते हैं, 24 लोग जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता पिछले समूहों में एक तिहाई है, पिछले समूहों में क्या है? एक तिहाई है। ऐसी दीवार का 5/8 पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा। 32 लोग हैं, कितने दिन, कितनी इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हैं? तो मान लिया 3 इफिशियंसी के साथ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां देखो आगे कहा गया है कि जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति कुशलता पिछले समूहों के लोगों में से एक तिहाई है। इसका मतलब अगर हम इसका 3 माने तो अगले वाले का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितने दिन काम करते हैं? 12 दिन काम करते हैं। और ये कितना काम हो जाता है? तो देखिए कह रहे हैं 5/8 मार्क पूरा करना है, तो हम क्या मानेंगे? टोटल 8 मान लेंगे। तो यहाँ पे टोटल हो गया 8 का, इक्वल्स टू एम टू कितना? 24 × 1, और मल्टीप्लाई में कितने, कितना समय लेंगे? तो हमने मान लिया डी समय लेंगे। अपॉन में इन्हें कितना काम करना है? तो इन्हें करना है 5 काम, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। अब केवल इसको सॉल्व करना है। तो समझिएगा कैसे सॉल्व होगा। पहले 12 से कैंसिल आउट होगा 2 बार, 2 से ये कैंसिल आउट होगा 16 बार, 8 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, और जब 5 का मल्टीप्लाई होगा तो बताइए आ जाएगा 5 × 6, 3 × 2 = 6, तो डी बराबर आ जाएगा 30 दिन। डी बराबर आ जाएगा 30 दिन। देखिए ये एग्जाम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बहुत 100% चांसेस होते हैं वर्क एंड टाइम से पूछने के लिए। इससे पहले मैंने पाइप एंड सिस्टम जो नल और टंकी वाले क्वेश्चंस थे उनको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें कराए थे, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, नहीं तो आई बटन पे भी हम इसको अवेलेबल करा देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करें एक शिविर में 560 लोगों के लिए 60 दिन के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है, 52 दिन बाद 400 लोग अपने घर लौट गए, तो शिविर में बचे हुए लोगों के लिए जो शेष खाद्य सामग्री है कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। पहले कितने लोग थे? 560 लोग थे, और इनके लिए खाना कितने दिनों के लिए था? 60 दिनों के लिए था। यानी अब बताइए ये टोटल यहाँ पे दिन आ गए कि उसको मतलब कितना यहाँ पे कंज्यूम होगा, खाना कितना कंज्यूम होगा। ठीक है भाई, 560 लोग हैं, 60 दिन तक लगातार खाना खाएंगे, तो कितना खाना खाएंगे? मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल जो भोजन है वो तो रहेगा कॉन्स्टेंट ही, ठीक, लेकिन कह रहे हैं कि 52 दिन तक इन 560 लोगों ने ही खाना खाया, 52 दिन बाद 400 लोग अपने घर लौट गए। इसका मतलब 52 दिन तक यही 560 लोग खाते रहे, बचे कितने जब 400 लोग लौट गए? तो बचे हमारे पास 160। अब इसमें से हमने मान लिया कि डी दिन चल रहा है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से 160D इक्वल जब हम इसको लाएंगे तो बताइए 560 कॉमन आ जाएगा, नीचे अंदर आ जाएगा 60 − 52, तो यहां से कितना आ जाएगा? तो यहां से आ जाएगा 562
इंटू एट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 160 डी। तो इससे ये कैंसिल आउट कितने टाइम्स, 20 टाइम्स, इससे ये कैंसिल आउट, तो बताइए डी बराबर कितना आया, 28 दिन। डी इक्वल्स आया 28 दिन, तो 28 दिन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखें, इस वाले लाइन को, तो इस वाले लाइन में एक और चीज समझ में आती है क्या, कि यहां पर 8 क्या है, तो 8 है शेष, मतलब जितने दिन दिनों जितने दिन बाद हुए लौट जाते, मतलब प्रारंभ दिन, प्रारंभ में जो दिन थे और जितने दिन बाद लौट गए उनका ये डिफरेंस है, और यहां पे कितने लोग पहले थे और यहाँ पे कितने लोग बचे। तो कुल मिला के आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी, आसानी से क्वेश्चन लग भी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, एक सैनिक छावनी में सैनिक के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री, पता नहीं वो निश्चित दिन कौन से थे। 20 दिनों में 1/4 सैनिक चले गए और तब वो सामग्री उतने ही दिन चली जितने दिन इसे प्रारंभ में चलना था, तो दे आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिनों की थी। ठीक है, तो हमने मान लिया टोटल 4 लोग थे, समझिएगा ध्यान से, टोटल 4 लोग थे क्योंकि 1/4 सैनिक चले गए, तो हमने अपॉन वाला मान लिया कि टोटल 4 लोग थे और एक्स दिन चलना था। अब हुआ क्या कि 20 दिनों बाद, तो इसका मतलब 20 दिनों तक इन्हीं 4 लोगों ने खाना खाया है, और कह रहे हैं कि 1/4 चलेगा, तो 1/4 चलेगा तो कितने बचे, 3, 4 के 1/4 चले गए, तो इसका मतलब 1 चला गया तो कितना बचा, 3 बचे। अब कह रहे हैं भोजन उतने ही दिन चलती है जितने इसे प्रारंभ में चला, प्रारंभ में कितने दिन चलना था, एक्स दिन चलना था, तो अब भी कितने दिन चल रहा है, एक्स दिन चल रहा है। अब यहां से इसको इधर भेज देंगे तो बताइए आ जाएगा एक्स इक्वल्स, ठीक है, एक्स इक्वल्स 80, एक्स इक्वल्स 80, यानी शुरुआत में उसको 80 दिन चलना था, शुरुआत में उसको 80 दिन चलना था। क्लियर है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिनों में बनाते, समझिएगा, 15 आदमी 10 दिन 8 घंटे रोज काम करते, वही एम डी एच, ठीक है, ये क्या है एम, ये है डी, यह है एच, एमडीएच का मसाला। तो कह रहे हैं 8 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करे उस दीवार को 10 दिन में बना लेंगे, तो अब यहां पे 8 आदमी 10 दिन में बनाना है कितने घंटे काम करके, मान लिया एच घंटे काम करके, तो बताइए 8 से 8 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 8 से 8, 10 से 10 कैंसिल, तो एच बराबर कितना आया, 15 घंटे, यानी उनको कितना काम करना पड़ेगा, 15 घंटे काम करेगा करना पड़ेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां पर जाइए और वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। कह रहे हैं यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं 480 रुपए कमाते हैं, तो 5 पुरुष और 7 महिलाएं एक दिन में इनकी आय कितनी होगी। तो सुनिएगा ध्यान से, जब कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें याद दिया रहता है, तो पहला काम होता है हम इसका रेशियो निकालते हैं, मतलब समझिएगा 3 मैन इक्वल टू 4 वोमेन, इतनी बात समझ में आ गई। तो बताइए 1 मैन किसके बराबर होगा, तो 1 मैन बराबर होगा 4/3 वोमेन के। उसके बाद बताइए यहां कितने पुरुष हैं, 5, तो बताइए 5 पुरुष किसके बराबर होंगे, तो 5 पुरुष होंगे 20/3 वोमेन के। अब यहां पे हम लोग फार्मूला लगा देंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे कि 3 पुरुष, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3 पुरुष या 4 महिलाएं कितने रुपए कमाती हैं, ठीक, 480 रुपए कमाती हैं। तो अब लास्ट में कितने पुआ है महिलाएं हो जाएंगी, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे केवल 4 महिलाएं 80 कमाती हैं, ठीक, तो बाद में महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, बाद में महिलाएं कितनी होंगी, तो बाद में महिलाएं होंगी 7 तो है ही, प्लस 5 किसके बराबर है, 5 है 20/3 के बराबर, तो 20/3 और जोड़ देंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, 7 × 21 41/3, कितना आ जाएगा, 41/3 महिलाएं। तो अब आप इसको आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, 4 महिलाएं अगर 480 कमाती हैं, तो 1 महिला कितनी कमाएगी, 120, तो सोचिए 41/3 महिलाएं कितना कमाएंगी, तो 41/3 / 4 120, तो बताइए इससे ये कैंसिल आउट होगा 40 बार,
यहां से आ जाएगा 1640 रुपए, 1640 रुपए कमाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। मतलब कुल मिला के कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप जो ये दिया होता है इनको कन्वर्ट करेंगे, या तो पुरुष को महिलाओं में या तो महिलाओं को पुरुष में। अगला प्रश्न है कि गिरीश प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में 1 तस्वीर पेंट कर सकता है। समझिएगा, 4 दिन उसको लगते हैं और 8 घंटे काम करता है तब 1 काम होता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सकता है। मतलब जहां पे वो 8 घंटे काम कर रहा है तो वहां पे कितना काम कर रहा है, वो केवल 1 घंटे काम कर रहा है। इस तरह के 4 चित्र पेंट किए जाने थे, गिरीश का काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। समझिएगा, यहां पर हम अभी मान ले रहे हैं कि ये 6 घंटे काम कर रहा है, तो 6 घंटे काम करके मान लो एक्स दिन लगाता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो बताइए यहां से आ जाएगा x बराबर कितना आएगा, तो x इक्वल टू आएगा इससे 2 से 3 बार, 2 से ये 4 बार, तो यहां से कितना आ जाएगा 16/3 दिन लगेंगे इसको एक पेंट। यहां पे हमने एक के लिए निकाला है, ठीक है, एक पे वह है चित्र बनाने में, एक चित्र के लिए। अब इसको कितने चित्र पेंट करने, 7 चित्र पेंट करने, तो कुल दिन जो होंगे, कुल दिन वो कितने हो जाएंगे, वो जाएंगे 16/3 × 7। अच्छा, यहां पे अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें इधर तो डिवाइड कर सकते हैं, यहां आ जाएगा 5 सही 1/3 × 7, तो यहां आ जाएगा 35 सही। ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 16 × 7 = 112, 112/3। अब 112/3 जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे आएगा 3 × 9, ठीक है, 2 बचे, और यहां पे कितना आया 3 × 7 = 21, ठीक है, यहां पे 2 बचेंगे तो हो जाएगा कितना 22, तो 3 × 7 = 21, 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसको आप यहां पे कैंसिल कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन होगा, 37 सही 1/3 दिन इसको लगेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि 36 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 1 काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। समझिएगा, मैन एम डी एच किसी काम को पूरा करते हैं, मतलब 1 काम पूरा हो जाता है। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिन में समाप्त के कितने आदमी की आवश्यकता होगी, तो एम हमें चाहिए, दिन लगने चाहिए 12 घंटे लग रहा है 10, और काम हमें वही करना है 1। अगर मान लीजिए 2 गुना काम होता तो यहां हम 2 लिखते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए 10 से तो 10 कैंसिल आउट, 6 से ये 2 बार कैंसिल आउट, और 2 से ये 16 बार कैंसिल आउट, इसका मतलब कुल आदमी लगेंगे 16, 16 मैंस लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति पहले 2 दिन 14 घंटे प्रतिदिन तथा अगले 3 दिन 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, उसने 6ठे दिन कोई कार्य नहीं किया, तो उसने पहले 6 दिनों में औसत कार्य कितना किया। तो देखिए कुल कार्य का मतलब समझना ध्यान से, कुल कार्य का मतलब होता है कि आपने कितने दिन काम किया और कितने घंटे काम किए। ठीक, तो देखिए 2 दिन काम किया 14 घंटे के हिसाब से, और 3 दिन काम किया 12 घंटे के हिसाब से, लेकिन 6ठे दिन इन्होंने कोई काम नहीं किया, और औसत निकालना है तो अपॉन में 6, तो बताइए आप कितना आएगा, 28 + 36/6, 28 + 36 कितना हो जाएगा 64, 64/6, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखिए यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 घंटे तो पूरे पूरे आ जाएंगे, तो 10 सही 4/6। अब 4/6 को अगर हम यहां पे मिनट में बदले तो 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 10, यानी 40 मिनट। इसका मतलब ये हुआ इतने आवर्स या फिर 10 घंटे और 40 मिनट, तो 10 घंटे 40 मिनट इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 8 आदमी 12 महिलाएं और 18 लड़के 6 दिन में 84 रुपए कमा सकते हैं, तो 18 आदमी 28 महिलाएं और 39 लड़के 378 रुपए कमाने में कितने दिन में कमाएंगे। तो देखिए यहां पे हम ये कह सकते हैं कि 8 आदमी जो है वो बराबर है 12 महिलाओं के, और ये बराबर है 18 लड़कों के। एक बात ये ध्यान रखिएगा, इनका जो एलसीएम आएगा
वो कितना होगा टोटल वर्क, तो बताइए एलसीएम कितना आएगा 72, ये होगा कुल काम, कुल काम, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9 72, 62 और 18 4 72, ये क्या आएगी, ये आएगी क्षमता। क्षमता का मतलब एक लड़का कितना काम करता है, ठीक, ये बात समझ में आ गई। ओके, एक लड़का एक दिन में, तो अब समझिएगा ध्यान से, यहां पर कह रहा है कि 8 आदमी जब महिलाएं काम कर रहे हो, तो बाद में क्या कह रहे हैं कि 18 आदमी, तो बताइए 18 आदमी, तो एक आदमी कितना काम करता है 9 प्लस 6 कितनी 28 महिलाएं, तो यहां हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 39 लड़के, तो लड़के को कितने मत से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और ये कितने दिनों में का ये टोटल कितना कमाते हैं, ये कमाते हैं टोटल 378 रुपए, मान लिया वो डी दिनों में कमाते हैं, ठीक। अगर हम बात किसी लड़के की करें, यहाँ पे लड़के की बात करें, तो लड़का 18 दिन में जिसकी इफिशियंसी कितनी है 4, 4 18 लड़के और इफिशियंसी क्या है 4, ये क्या कमाता है, तो ये कमाता है 6 दिन में कितने रुपए 84 रुपए, ठीक है। अब हमें यहां पे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे समझना, इससे ये कैंसिल आउट 14 बार, ठीक है। अब यहां पे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कैंसिल आउट जाएगा 2 बार, और 2 से कैंसिल आउट होगा 7 बार, तो बताइए डी बराबर क्या आएगा, तो डी इक्वल टू आएगा यहां पर, डी इक्वल टू यहां पर आएगा 18 × 2 × 378, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और अपॉन में क्या रहेगा, तो अपॉन में रहेगा यहां पर जो भी यहां मल्टीप्लाई करके आएगा, तो अगर हम यहां मल्टीप्लाई करके यहां पे लाए, तो देखिए पहले तो हम यहां 89 कितना होता है 162 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 48 कैरी 4, और 6 2 12 और 8 4 16 प्लस 3 9 36 कैरी 3, 3 4 12 और 3 15, ये आ जाएगा। अच्छा इनटू में देखिए ये भी 7 बना रहेगा, इनटू में ये भी 7 बना रहेगा। अच्छा 7 से इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं कितनी बार, तो 7 7 जा 7 5 जा 35, ठीक है, और 7 4 जा 28, तो इसका मतलब यहां पे जो डी आया है इसको ध्यान से समझिएगा, 36 × 54 अपॉन में कितना आएगा समझिएगा, यहां पर 8 6 14 2 16 कैरी 1, फिर 5 6 6 12 5 17 1 18 कैरी 1, और 1 2 3 एंड कैरी 1 4, ये आ जाएगा 4। तो क्या 6 से कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल होगा, 6 से 6 टाइम जाएगा, 6 से ये 81 टाइम जाएगा, 9 से ये 9 टाइम जाएगा, 9 से ये 6 टाइम जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 36/9, दैट मींस 4 डेज, इसका मतलब 4 डेज में ये कमा लेंगे, तो आंसर आ जाएगा कितना, तो आंसर आ जाएगा 4, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन समझिएगा, कह रहे हैं पी एम पुरुष पी दिनों में एक काम के एन वन अपॉन एन रेशियो को पूरा करते, तो वही एमडीएच लगा दे, एमडीएच का तड़का, तो मैन इनटू डे, आवर गिवन नहीं है, वर्क कितना 1/n इक्वल टू, यहां पे क्या कह रहे हैं, तो यहां पे कह रहे हैं कि क्यू दिनों में, अब यहां कितने व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो एक्स मान लिया व्यक्ति है जिसको क्यू दिनों में पूरा करना है पूरा एक काम, तो बताइए ये ऊपर का मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आएगा, तो एम एन पी अपॉन क्यू, तो एम एन पी अपॉन क्यू का मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप और भी काफी कुछ पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे।